हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मेरी मम्मी के हाथ के बने हुए भरमे बैंगन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं अनियन। एक ग्राइंडर में हम हरी मिर्च और अदरक को पीस लेंगे। अब हम इसमें अनियन डालेंगे काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसको भी ग्राइंडर से पीस लेंगे अच्छे से। प्याज, अदरक और हरी मिर्च को अच्छे से पीस लिया है। अब हम इसमें आधा चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ। अब हम इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हम बैंगन में भरेंगे। बैंगन में हम पहले कट लगा लेंगे, दो बार कट लगाना है इसमें। सभी बैंगन में हम बारी बारी से कट लगा लेंगे। हम मसाले को बैंगन में भरेंगे। हमने जो कट लगाए हैं चारों तरफ बैंगन में, हमने मसाले को भर देना है अच्छे से। सभी बैंगन में मसाला अच्छे से भर चुका है। अब हम एक कढ़ाई में तेल लेंगे। मैंने एक कड़छी तेल डाला है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। अब हम इसमें बारी बारी करके एक एक बैंगन डालेंगे। इसको हम धीमी आंच पर पकाएंगे, बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। एक एक करके हम सभी बैंगन को पलटेंगे ताकि वो दूसरी साइड से भी अच्छे से पक जाएं। अब हम इसको दूसरी साइड से भी पलटेंगे ताकि दूसरी साइड से भी अच्छे से बैंगन हमारे पक जाएं। बचे हुए मसाले को हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिलाएंगे। 5 से 7 मिनट हम इसको पकने देंगे। हमारे भर में बैंगन की सब्जी बनकर तैयार है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।